गणेश जी की कथा, गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोली मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वो तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, तेरा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखो। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते दो धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। एक गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। ये थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। आपको भी गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।